ये वीडियो उत्तराखंड के बागेश्वर के एक स्कूल का है, जहां 8 बच्चे बिना किसी वजह के एक साथ रोने, चीखने, जमीन पर लौटने और सिर पटकने लगते हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इस तरह के मामलों को माता आना या भूत प्रेत का साया मानते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, चलिए समझते हैं। इस मेंटल डिसऑर्डर को मास हिस्टीरिया कहा जाता है। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इससे पीड़ित व्यक्ति जब मेंटली या इमोशनली परेशान होता है, तो अटेंशन पाने के लिए वो असामान्य हरकत कर सकता है। इस डिसऑर्डर में व्यक्ति अंदर ही अंदर घुट रहा होता है और अपना दर्द किसी को बता नहीं पाता। लोग इसे झाड़ फूंक से जोड़कर देखते हैं, इसलिए वो हिस्टीरिया से परेशान व्यक्ति को किसी मंदिर या तांत्रिक के पास ले जाते हैं, जहां पहले से कोई ना कोई हिस्टीरिया का पेशेंट होता है। इस कंडीशन में एक व्यक्ति को ऐसा करता देख दूसरा, तीसरा और कई लोग असामान्य हरकत कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट एक दूसरे को कॉपी करते हैं। तब यही हिस्टीरिया मास हिस्टीरिया बन जाता है। साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर कशिका जैन के अनुसार मास हिस्टीरिया के कुछ खास लक्षण होते हैं, जैसे कि अचानक से सांस लेने में परेशानी होना, पेट दर्द, बेहोश हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना या रोना, दीवारों पर हाथ पैर मारना, बाल नोचना, जमीन पर सिर पटकना, आवाज बदल कर बात करना, भूख और नींद नहीं आना या अपने लोगों पर ही शक करना। ये बीमारी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जन्मे उन विश्वासों से उपजती है, जिन पर आप कभी सवाल नहीं उठाते, बस आंख मूंदकर मान लेते हैं। और जब ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, तो मास हिस्टीरिया की समस्या हो सकती है। मास हिस्टीरिया एक मेंटल डिसऑर्डर है, इसलिए इसे अंधविश्वास से नहीं जोड़ना चाहिए। इसका इलाज अपनी बात को किसी के सामने बयां करना है। ऐसे में जरूरी है कि पेशेंट को साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए, जहां वो काउंसलिंग, मेडिटेशन और हिप्नोथेरेपी के जरिए पेशेंट को ठीक होने में मदद करते हैं। अक्सर लोग मास हिस्टीरिया को मिर्गी भी समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों ही कंडीशन में पेशेंट को अलग अलग परेशानियां होती है। मास हिस्टीरिया बीमारी में व्यक्ति को तभी दौरा आता है, जब उसके आसपास लोग होते हैं। पेशेंट का मोटिव अटेंशन पाना होता है। पेशेंट को 15 मिनट से 1 घंटे तक का दौरा रह सकता है। अपनी इच्छाओं को पूरी कराने के लिए पेशेंट जिद करता है, जबकि मिर्गी में ऐसा नहीं होता। इसलिए हिस्टीरिया जैसी प्रॉब्लम को अंधविश्वास से जोड़ने की जगह साइकोलॉजिस्ट की मदद लें। और भी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहिए तनिक भास। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख चुके हो और समझ चुके हो कि जो हमारी मानसिक स्थिति है वो किस तरह से इस बेकाबू हो जाती है कि हम पता नहीं क्या क्या सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो मानसिक स्थिति जो कभी कभी विचलित हो जाती है, तो वो एक बीमारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, मास हिस्टेरिया, दोस्तों मास हिस्टेरिया नामक जो बीमारी है उसके बारे में हम देख रहे हैं। दोस्तों मास हिस्टेरिया के लक्षण क्या है? सांस न आना, पेट में दर्द, बालों को नोचना, दीवारों पर हाथ पैर मारना, जमीन पर सिर पटकना, इधर उधर भागना, आवाज बदलकर कुछ कहना, उल्टी सीधी डिमांड करना, बेहोश होना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, बहुत ज्यादा रोना, 2-4 मिनट के लिए बेहोश होकर अकड़ जाना, उदास रहना, भूख और नींद में कमी, अपने लोगों पर शक करना कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों ये कुछ जो लक्षण हैं वो मास हिस्टेरिया नामक जो एक माइंडली जो बीमारी है उनके लक्षण हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमें किसी झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं आना चाहिए, और दोस्तों हमें चिकित्सा डॉक्टर से हमारी मदद लेनी चाहिए कि मास हिस्टेरिया जो नामक बीमारी है उसके लिए। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि दोस्तों शारीरिक हमारा जो शरीर है वो एक बहुत मजबूत और बहुत यूनिक चीज है, जिसके ऊपर किसी झाड़ फूंक का कोई काम नहीं हो सकता। वो एक जो नेचुरल है वो नेचुरली रहता है। ठीक है, तो दोस्तों मास हिस्टीरिया नामक जो बीमारी है उसका बारे में कुछ और देख लेते हैं। मिर्गी और मास हिस्टीरिया के दौरे में क्या अंतर होता है? दोस्तों मिर्गी का दौरा दोस्तों किस प्रकार आता है और हिस्टीरिया का दौरा किस प्रकार आता है, उसमें एक बार अपन तुलना और कर लेते हैं। मिर्गी का दौरा कहीं भी पड़ सकता है दोस्तों। अगर किसी को मिर्गी का दौरा आता है तो वो कहीं पर भी पड़ सकता है अचानक। ठीक है, पेशेंट को इसका आभास नहीं होता है,
इसके मुंह से झाग निकलता है। ये दौरा एक से तीन मिनट तक रहता है। इसमें सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। ठीक है, हिस्टीरिया का जो दौरा है उसमें वह दौरा तभी आता है जब आसपास लोग रहते हैं। इसमें पेशेंट का मोटिव होता है कि लोग उसे अटेंशन दें। ठीक है, इसके दौरे में पेशेंट के मुंह से झाग नहीं निकलता है। पेशेंट को 15 से 20 मिनट या एक घंटे तक यह दौरा रह सकता है हिस्टीरिया का। ठीक है, पेशेंट अपनी दबी हुई और अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की जिद पर आ जाता है। तो दोस्तों, ये हिस्टीरिया है, मास हिस्टीरिया है, उसके दौरा के लक्षण है और मिर्गी के दौरा के लक्षण है वो हम आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों, आई होप आप समझ चुके होंगे कि जो मास हिस्टीरिया है वो एक मानसिक बीमारी है और उसका उपचार केवल चिकित्सक के थ्रू ही किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसे ही नए नए टॉपिक पर नए नए हम वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, जल्द ही नए टॉपिक पर नए अंदाज में वीडियो लाएंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।